हेलो, गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के दरगाठी, एक छोटे से गांव रैलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग में 10 बजे से कर रही हूँ, और अभी हमारा नाश्ता भी हो गया है। और आप लोगों को केदारघाटी का मौसम भी दिखा दूँ मैं आज का। सफाई तो हमने करी ली है और पानी भी भर लिया है, और पानी आजकल बहुत गंदा आ रहा है क्योंकि बारिश लगातार केदार घाटी में हो ही रही है और खाली मिट्टी वाला पानी आ रहा है। तो उधर खेत में जा रहे हैं हम, और यहाँ ना रास्ते में भी पूरी दरारें पड़ी हुई है। जो पेड़ पौधे हैं ऊपर निंगाल के बुरांस के, वो सारे झुक गए हैं। और जो रास्ते में ये काफल का पेड़ है नीचे, तो ये भी पूरा झुक गया है। डर भी लग रही है, और रास्ते भी देखो इतने नीचे चले गए हैं। हमारे जो घर का रास्ता है, और ऊपर से भी ये पेड़ ऐसे हैं, तो ये बहुत कच्चा चट्टान है। और जो हमारे गांव की ऊपर वाली पहाड़ियां हैं ना, वो भी आजकल हरे भरे हो गए हैं, और सारे ऊपर पहाड़ियों पर चीड़ के पेड़ भी हैं, और उसको गरुड़ बोलते हैं, वो भी इधर उधर कर ही रहा है। और यहाँ से जो नीचे वाली सीढ़ी है वो तो सब टूट गई है परसों की आपदा से, और यहाँ पर ऐसे बनाया है रास्ता। और हेली भी लगा हुआ है केदारनाथ के चक्कर माने पर, अभी उड़ रहा है ये। जो मंदाकिनी ने दी ना, परसों आपदा आई गौरीकुंड से, तो यहाँ तक ये पानी यहाँ तक आया पूरा, जो हमारे घर के नीचे वो रास्ता है ना, वहाँ से और यहाँ तक आया। तो हमारे लिए तो आने जाने का रास्ता भी नहीं रहा है। गंगा जल की मिल गई ऐसी बहुत है। हाँ, लेकिन नदी में जो चीज़ मिलती है उसे उठाना नहीं चाहिए, है ना मम्मी? तो चलते हैं भाई, और रास्ता भी बिल्कुल इस तरह से है यहाँ। जो सौंपिया का पुराने पुल का गार्डर भी आ रखे हैं सारे बह के, और लकड़ी सारी चीज़ें, डर भी लग रही है। यहाँ तो दलदल हो रखा है, और हमारे को रास्ता भी नहीं बचा है। कैसे हम लोग इधर उधर जाएंगे, और कैसे अपना सामान लेके आएंगे मार्केट से? तो वो नेपाली भैया भी वहाँ पर लगा हुआ है, वो भी बाल बाल बचे यहाँ पर। यहाँ भी हमारी इतनी सारी खेत थी, तो पहले की आपदा में भी पूरी गई, और इस आपदा में भी पूरी यहाँ तक पानी आया। और जो ये जाली भरी थी पत्थरों से, यही बची है, और यहाँ तक पूरा पानी आ गया है। ऊपर में हमारा एक सगोड़ा कर रखा है, और अब हम ऊपर भी कैसे जाएंगे इस सगोड़े में घास के लिए? तो यहाँ भी अब ये दो चार ही 29 के पेड़ बचे हुए हैं। यहाँ पर ना ये दुकान थी, पर कई साल बनाई, और थोड़ा बची हुई है। और यहाँ से जो मंदाकिनी का जलस्तर है, यहाँ से नजरी बह रही है, डर भी लग रही है। ये हमारा पुल का रास्ता, तो अभी इसी रास्ते से देखेंगे ऊपर जाने के लिए, मतलब खेत जाने के लिए। तो पहले साल बादल फटा तो ऐसे आया, ऊपर से आए, और इतना पुल भी तोड़ के ले गया। तो अभी भी पुल में ऐसे ही पत्थर और मिट्टी है, जो अभी तक बह ही नहीं। जो ये गवेनी घाट का गदरा भी बहुत ज़्यादा आ रखा उस दिन, अभी भी ऐसा है, और इतनी आवाज़ आ रही है अभी भी। पुल तक देखने के लिए तो हम आ गए हैं यहाँ, और
अब कैसे जाएंगे हम घर, हम तो बीच पे फंस गए हैं और उधर से तो बड़ी मुश्किल से आ गए हैं और घास भी निकाल दिया है हमने वहाँ पर एक एक कूली और रस्सी लाई थी तो रस्सी पर कैसे ले जाना हमने घास की भारी, तो एक एक कूली ऐसे ही ले जाते हैं। गांव के भी ऊपर इतने इतने बड़े बड़े गधेरे आ रहे हैं उधर भी इधर भी, कूली इतनी ऊंचाई पर है भाई। तो अब चलते हैं घर, घास तो उधर में निकाल रखा है हमारा और कैसे जाएंगे अब घर। ये घर लोगों की पता नहीं कितनी चीज आ रखी है इस मंदाकिनी में बह के ऊपर से केदारनाथ से गौरीकुंड से और सोमप्याक से, छोटे नेपाली लोगों के छोटे छोटे बच्चों के जूते चप्पल सारी चीज़ें आ रखी हैं बह के। और मंदाकिनी नदी का भाई इतना घेर रखा है यहाँ, यहाँ पर आते आते पसीना भी आ गई है और डर के मारे वैसे ही ऊपर देखा वैसे ही दौड़े यहाँ से नदी के किनारे किनारे। और जो हमारे घर का रास्ता है ऐसी चढ़ाई वाला रास्ता है यहाँ पे, तो ऊपर से भी डर लग रही है, पेड़ ऐसे झुक रखे हैं। पे भी पहुँच गए हैं और अब बनाते हैं लंच और ऊपर में कपड़े भी डाल रखे हमारे ऊपर छत में धो के, तो उनको भी उठा। घर आने के बाद हमने लंच बनाया और बहुत सारा काम किया घर का और टाइम ही नहीं मिली तब वीडियो बनाने की, और अभी बना रही हूँ वीडियो। तो अंधेरा भी हो गया है, हमने गौशाला का काम भी कर लिया है और शाम का पानी भी भर लिया है और गांव में तो बर्तनों का भर के रखे हैं पानी, और मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, ऊपर से मिट्टी मिट्टी आ जाती है। तो रात को भी जल्दी जल्दी डिनर भी बना लेते हैं क्योंकि नीचे मंदाकिनी नदी है, ऊपर हमारे गाँव के ऊपर बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत डर लगती है, तो रात भर सोते भी नहीं है, वैसे ही बिजी रहते हैं। तो डिनर कर लेते हैं एक बार, रात भर सुबह में सोते हैं 3-4 बजे के बाद, और आप लोगों को शाम का मौसम भी दिखा दूँ केदार घाटी। में तो मैंने आग जला दी है और प्रेशर पर दाल बोयल भी करी ली है, और शाम को आज हरी सब्जी और रोटी और दाल बनेगी। पहाड़ी लोग शाम सुबह रोटी खाते हैं और दिन में चावल ही खाते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव गुंज उत्तराखंड, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।